आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस रेनवेक्सी मेडिकल सर्विसेज डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ नेहरू नगर में किया गया। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने फीता काटकर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। इस डायग्नोस्टिक सेंटर में उपलब्ध आधुनिक मशीनों से सभी प्रकार के रोगों का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण कराकर डायग्नोस्टिक सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं तो बधाई दूंगा रेनवेक्सी की पूरी टीम को कि आज हमारे भिलाई नगर में, खासकर नेहरू जो पास एरिया है, वहाँ पर ये डायग्नोसिस सेंटर खुला है। और मैं जानकारी ले रहा था कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी एक बहुत ही सुविधाजनक ये सुविधा देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लोग भटकते रहते हैं और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों का होता है। तो उस दृष्टिकोण से आज के ज़माने में अगर हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है तो उसमें कुछ हमारी व्यक्तिगत भूमिका रहे, और वो भूमिका हमारे रेनवेक्सी की टीम ने निभाने का एक संकल्प लिया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, और ये निरंतर आगे बढ़े और इनकी सेवाएँ और अन्य जगह भी जो इनके लेब और बने, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए, कल संविधान दिवस है, मतलब कल गणतंत्र दिवस है। हमारे संविधान की स्थापना कल के दिन हुई थी और 26 जनवरी हमारे लिए ऐतिहासिक दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। और इस दिन भी हम संकल्प लेते हैं कि नियमों और कानूनों का हम सब पालन करें। मैं यही निवेदन करूँगा लोगों से, जो अभी एक विभत्स स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, एक तीसरा चरण अभी कोविड का चल रहा है, तो उसमें भी अपनी सावधानियां बरतें और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, लोगों को सुरक्षित रखें। ये मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा। शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और हम सब संकल्प लें कि राष्ट्र हित में और देश हित में हमेशा काम करते रहें। हमारा ये स्वतंत्र भारत जो 75वें वर्ष में हम जम रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसी रूप में हम सब गणतंत्र दिवस भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि सुभाष चंद्र जयंती के दिन से हम इस स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोर शोर से मनाएं, और उसी रूप में हम लोग मना रहे हैं। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उसकी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। हाँ, देखिए, स्पेशलिटी रेनवेक्सी लैब और लेबेक्सी डायग्नोस्टिक और रेनवेक्सी मेडिकल सर्विसेज, हमने जो स्टार्ट किया है, यहाँ पे हम एक कंप्लीट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करिए जो कि सभी प्रकार के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम सभी बेसिक टेस्ट से लेके कुछ एडवांस टेस्ट भी यहाँ परफॉर्म होंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो आम जनता है स्पेशली, हम उनको जोड़ सकें अपने साथ में। और जोड़ने का एक तरीका होता है कि हम उसको कुछ ऐसा ऑफर करें जिससे कि वो लोग उसको, हमारी सेवाओं को पसंद करें। कोई क्वालिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है लेबोरेटरी में, कोई क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है एक्चुअली में यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ में टेस्ट परफॉर्म करें और कॉस्ट इफेक्टिव रहे पेशेंट को, यानी अफोर्डेबल रहे, जिससे कि वो अच्छे से वो अपने सेवाओं का लाभ ले सकें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इनिशियली कम से कम 25-30% तक डिस्काउंट जो हमारे पेशेंट्स आएंगे उनको हम ऑफर करें। और एक हमारा एक रेगुलर मेंबरशिप प्रोग्राम भी होता है जिसमें कि हम और सेवाएं और डिस्काउंट ऑफर करते हैं। होम कलेक्शन की सर्विसेज भी इसमें फ्री प्रोवाइड करी जाएंगी लगातार, चाहे वो 100 रुपीज़ का कलेक्शन हो, चाहे वो 500 का करें, चाहे 1000 रुपये का सैंपल कलेक्शन करवाते हैं, और सभी सेवाओं में डिस्काउंट तो अवेलेबल रहेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो लैब जिसमें जितने भी जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये सारे फुली ऑटोमेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम रहता है, उससे परफॉर्म होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो पूरा क्लाउड बेस्ड है। इसका एडवांटेज मिलता है पेशेंट को कि जब भी पेशेंट ने अपना सैंपल का रजिस्टर किया, उनको बाकायदा एक SMS पे प्राप्त हुआ कि उनको हमने कितना पैसा लिया और हम क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट उनको कब प्राप्त होगी, उसका पूरा एक ट्रैकिंग उनके पास रहेगा। और इवन अगर कोई पेशेंट हमारे पास बार बार टेस्ट कराने आ रहा है, सपोज़ उन्हें 2 बार 4 बार टेस्ट कराया, तो जब तीसरी चौथी बार टेस्ट कराएगा उसको ट्रेंड बेस्ड रिपोर्ट भी मिलेगी, यानी पहली रिपोर्ट के साथ में पहली तीसरी रिपोर्ट, तीनों को कंपेरेटिव करके भी हम रिपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इसको हम ट्रेंड बेस्ड रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि आजकल एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। पेशेंट खुद जान सकता है कि हम सच में किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो पकड़ी प्रॉब्लम आती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ज़्यादातर लैबों में। टेस्ट में हम सारे बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है सारे लिपिड प्रोफाइल्स, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल के सारी जाँचें, किडनी के सारे प्रोफाइल, इसके मतलब इसमें कि यूरिया, क्रिएटिनिन,
यूरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इसी सारे टेस्ट आते हैं। इसके अलावा टेस्ट जैसे ग्लूकोज हो गए टेस्ट, इसके साथ में लिवर के एंजाइम्स हो गए, SGPT, SGOT, अल्कलाइन फास्फेटेस, ये सारे परफॉर्म होंगे। इवन HIV, HBsAg जैसी जाँचें हैं वो भी, और साथ में कुछ अदर एडवांस टेस्टिंग जैसे RA फैक्टर क्वान्टिटेटिव, ASO क्वान्टिटेटिव, उस तरह के टेस्ट हैं। थायराइड से रिलेटेड जाँचें हो गई या फिर अन्य इन्फेक्शस डिसीज से रिलेटेड टेस्टिंग हो गई। इवन हम कोरोना की एंटीजन जांच के लिए भी ICMR से हम उस संपर्क में हैं, जिससे कि हम उसका परमिशन भी हम लेके उसको भी चालू कर सकें, एटलीस्ट एंटीजन टेस्ट को हम स्टार्ट कर सकें। क्योंकि एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो कन्फर्म पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है एज़ पर ICMR की गाइडलाइन के अनुसार। तो एटलीस्ट जिनमें सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको डाउट है, तो एटलीस्ट एंटीजन टेस्ट से कन्फर्म कर सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो। मैं सभी जितने भी आमजन हैं, भिलाई दुर्ग जो भी टेरिटरी है या कहली जो भी कॉलोनी के आसपास के हमारे जो भी लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी सेवा का लाभ लें। और मैं उनसे बोलूँगा कि आप एक बार कॉल करें हमारे सेवा के लिए, और इवन कंपेयर करें आप तो किसी भी अच्छे ब्रांडेड डायग्नोस्टिक लैब से कि हम क्या प्राइस में दे रहे हैं और क्या प्राइस पॉइंट में हम क्या सेवाएं दे सकते हैं आपको। तो वो एक कंपेरेटिव तरीके से, एक मतलब एक अनबायस तरीके से डिसाइड करें कि हम सच में सेवाएं किस तरह की दे रहे हैं। मैं तो साफ साफ यही बोलूँगा।